अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमाद, जैसे कि चश्मे आज आप देख रहे होंगे कि मैंने नए पहने, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग आने वाली है, क्योंकि ये आम चश्मे नहीं है, ये कंप्यूटराइज्ड चश्मे, मतलब लैपटॉप या पीसी के लिए जो चश्मे यूज़ किए जाते हैं उसके हैं। तो बहुत जल्द इसकी भी अनबॉक्सिंग आ जाएगी इस चैनल पर। तो आज हमारी एक न्यू प्रोडक्ट है जो कि इंटरनेट पे आप सफरिंग करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे खैर इतना ज़्यादा नहीं आता, बट टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर इसके एड्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या ऐप्स हो गई, ऐप्स के अंदर भी अगर कोई भी ऐड वाली ऐप्स होती हैं, उनके अंदर इस तरह के एड्स आ रहे होते थे। तो मैंने देखा यार क्यों ना इस चीज़ को मंगवाया जाए, तो उन चीज़ क्या है, लेट्स से। तो दाढ़ी मूछ की, मतलब के एक काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग मैंने देखी थी यार, और काफ़ी इसका मैंने मतलब के सोशल मीडिया पे हर एक प्लेटफॉर्म पे इसको मैंने देखा था। तो देखने के बाद, क्योंकि मेरे बाल जो हैं दाढ़ी के बियर्ड के, तो वो भी काफ़ी घुंघराले से हैं और मतलब के रुखे रुखे हैं, तो मैंने जैसे ही प्रोडक्ट देखी, पहले तो मैं इग्नोर करता रहा, बार बार इसको मैंने सोशल मीडिया पर देखने के बाद ये ऑर्डर की। तो ऑर्डर करने के बाद अब ये देखना है कि इसके अंदर आखिर है क्या इतना, और आखिर सच में ये जो हमारे बियर्ड है, इसको वो जो ऑयल है जो कि मैंने मंगवाया है, क्या ये सच में इसको बियर्ड को, मतलब कि दाढ़ी को मॉइस्चराइज करके बिल्कुल स्ट्रेट करती है या नहीं। आज वाली वीडियो में तो हम इसको अनबॉक्स करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर यूज़ करने के बाद आपको मैं बताऊँगा कि क्या आया ये जो ऑयल है, सच में हमारी बियर्ड है इसको प्रॉपर तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रखता है या नहीं। तो अभी देख सकते हैं, बिल्कुल पैक है ये, बैग पे टी रेक्स का ये कुरियर सर्विस जो कि हमें आके देती है, तो ये बिल्कुल पैक्ड है। ये हेलो आई एम फाइनली हेयर, तो दाढ़ी मूछ का काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, मतलब साथ में यहाँ पर ब्रांडिंग आपको देखने को मिल रही है। तो विदाउट एनी फर्दर डू हम इसको ओपन करते हैं, तो देखते हैं कि इसके अंदर किस किस्म की ब्रांडिंग है और क्या है। कटर भी फाइनली मिले होंगे, लेकिन अभी गुजारा चला रहे हैं इससे। तो ये हमारी से काफ़ी ज़्यादा गत्ता टाइप गिर रहा है, क्योंकि आई थिंक सो ये बिल्कुल नया है और नया नया उन्होंने भेजा, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये गत्ता वाला गिर रहा है। तो उसको हम साइड पे करते हैं, और ये कुछ इनकी इस तरह का एक डब्बा आ रहा है, तो डब्बे को बिल्कुल सिंपल सा बॉक्स है, सॉलिड है, ताकि इनकी जो प्रोडक्ट हो कंप्रेस ना हो। तो इसे ओपन करते हैं, यहाँ से इस तरह से हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद काफ़ी अच्छी एक तरह से लुक इन्होंने बनाकर मतलब कि भेजी है, इस तरह से लग रहा है जैसे कि ये फॉर्म नहीं है, गत्ता नहीं है, बल्कि वुड है, आयरन सॉरी लकड़ी है, वुड है। तो लकड़ी के अंदर इन्होंने सेम एज इट इज़, ऐसे ही जैसे लकड़ी आती है वैसे इन्होंने स्टाइल बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा देखने की लुक एक मिल रही है। तो जिस तरह से आपको भी दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छी एक लुक यहाँ पर मिल रही है। तो अब बॉटल निकालते हैं, तो छोटी सी बॉटल यहाँ पर हमें गिवन दी गई है। इसके ऊपर डब्बे बॉक्स के ऊपर कोई भी डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं दी हुई, जस्ट यहाँ पर इनका नाम लिखा गया है और फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब के जो चैनल्स हैं उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। तो ये हमारी दाढ़ी मूछ का जो है, ये एक बॉक्स आ चुका है जो कि ऊपर से ओपन करते हैं इसको, तो ड्रॉप टाइप है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाइज मुझे लग रहा है। तो परफ्यूम वाली आ रही है भाई, स्मेल जो है काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। एक तो होती है बहुत ज़्यादा अजीब सी और गंदी स्मेल आ रही है, बट इसकी जो परफ्यूम्ड ऑयल मुझे लग रहा है, बियर्ड ऑयल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसके साथ दाढ़ी मूछ का लोगो है, बियर्ड ऑयल लिखा हुआ है, 100% नेचुरल लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, बट डिस्क्रिप्शन दी गई है और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पर दिया गया, जो कि कोकोनट ऑयल है, उसके अलावा एवोकाडो ऑयल है, उसके बाद सनफ्लावर ऑयल है, उसके बाद विटामिन सी एंड जोवा ऑयल, कुछ इसी तरह का यहाँ पर नाम दिया गया है। तो ये हमारी प्रोडक्ट आ रही है। तो अब बियर्ड को देखना है कि बियर्ड सच में ये जो हमारी है, ये क्या इसको बियर्ड को बिल्कुल स्ट्रेट करती है या नहीं करती, जस्ट ये देखना है हमें। बॉटल की अगर बात करें तो बिल्कुल दवाई वाली बॉटल है, जो कि बच्चों की दवाई नहीं होती थी, बिल्कुल जो बेबी बॉर्न जो छोटे बच्चे होते हैं यार, उनके लिए जो ड्रॉप्स वाला होते हैं, लाइक
ऐसे आप उनके जो ड्रॉप हैं मुँह खोल के उनके यहाँ से ड्रॉप करते हैं, सेम एज इट इज़ वैसे ही है। अगर ऑयल की खुशबू की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा परफ्यूम वाली यहाँ पर ऑयल दिया गया और फुल किया गया, बिल्कुल फुल किया गया है। और ब्रांडिंग की अगर बात करें तो ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी की गई है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं दाढ़ी मूछ वालों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने ऐड करनी चाहिए, जो कि एक यूज़र मैनुअल है जिस पर लिखा गया हो कि कौन सी चीज़ है, मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में लिखा गया और प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है वो सब कुछ लिखा गया हो, ताकि आपको वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत ना पड़े और ये कैसे यूज़ करना है, कैसे अपने बियर्ड पे अप्लाई करना है, या फिर ऑयल है या फिर क्रीम है कोई भी बियर्ड हेयर की, उसको कैसे आपने अप्लाई करना है अपने बियर्ड एंड हेयर पे, वो आपको वेबसाइट पे जाके दोबारा से ना देखना पड़े। एक यूज़र मैनुअल ज़रूर साथ में ऐड करना चाहिए ना, ताकि उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को ये लोग भेजेंगे, जो प्रोडक्ट बंदा परचेस करेगा, उसके लिए एक यूज़र मैनुअल मर्ज होना चाहिए यार। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि प्रोडक्ट आप ले लेते हैं, इंटरनेट का आपको नहीं पता होता, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल नहीं होता, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आप उनकी वेबसाइट विजिट नहीं कर पाते, लाइक दाढ़ी मूछ की वेबसाइट जो है वो विजिट नहीं कर पाते, उसके लिए आपको एक यूज़र मैनुअल लाजमी चाहिए होता है, ताकि आप जो हो ईजीली अपने उस यूज़र मैनुअल से उसको रीड आउट करें, और रीड आउट करने के बाद आप अपने बेड या फिर बाल हैं जो भी हैं उस पर अप्लाई कर सकें। यूज़र मैनुअल में भी एक छोटा A4 साइज से भी छोटा पेज उन्हें ले लेना चाहिए, और छोटा छोटा एक बार ऊपर जो है इंग्लिश में लिख दें और नीचे उर्दू में लिख लें, ताकि जो उर्दू वाले हैं वो उर्दू में रीड आउट कर सकें और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में रीड आउट कर सकें। ओवरऑल प्रोडक्ट की जो बॉक्सिंग है और प्रोडक्ट की जो टोटल ओवरऑल अगर बॉक्सिंग की बात की जाए और बॉक्स विद बॉक्स एंड विद बॉटल की बात करें तो 100 आउट ऑफ 90 यहाँ पर मैं इसे रेटिंग दूंगा, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी अच्छा देखने को मिला। अब बात यह है कि इसे अप्लाई करने के बाद पता चलेगा कि क्या ये प्रोडक्ट जो है सच में जो है वो बियर्ड ऑयल जो मैंने मंगवाया है ये क्या सच में बियर्ड जो है वो ठीक करता है या नहीं। बाय द वे मैं यहाँ पर ऑयल का नाम पढ़ लेता हूँ, OUD आउटवुड ऑयल, मतलब आउट नहीं है ये, OUD आउट है, आउटवुड बियर्ड ऑयल है। तो वहाँ पर और भी ऑयल थे बट यहाँ पर मैंने बियर्ड ऑयल जो है ये वाला परचेज किया है। बाय द वे इनकी जो अगर शिपिंग की बात करें 199 शिपिंग है, और बहुत ज़्यादा है शिपिंग भी इनकी, तो मेरे ख्याल से इन्हें शिपिंग पे काम करना चाहिए और शिपिंग इन्होंने कम करनी चाहिए। तो शिपिंग मैक्सिमम 99 रुपीज़ होनी चाहिए, 99 रुपीज़ से अबव शिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो 199 इज़ टू मच शिपिंग फॉर एवरी कस्टमर, क्योंकि जब बंदा शिपिंग देखता है, जब प्रोडक्ट की प्राइस देखता है और शिपिंग देखता है, तो वो शिपिंग की वजह से ऑर्डर नहीं देता। क्योंकि मैं ऑलरेडी ख़ुद भी सेलर रह चुका हूँ और अभी भी सेलिंग कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आपने कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाए कि शिपिंग या तो फ्री आ जाए, फ्री शिपिंग मतलब उसी प्रोडक्ट के अंदर सब कुछ आ जाए, जितने की प्रोडक्ट है फ्री शिपिंग का आप लेबल दे दें, क्योंकि एक साइकोलॉजी है कि आपका कस्टमर जो है जैसे फ्री का नाम आ जाता है तो वो आपसे ना भी परचेज़ करना चाहे तो परचेज़ करेगा। हालांकि इसकी प्राइस जो है 1100 रुपीज़ है विद शिपिंग, तो अगर आप 1100 रुपीज़ जो हैं वो डायरेक्ट लगा लेंगे, फ्री शिपिंग का लेबल दे देंगे, तो आई थिंक सो कि आपका जो कस्टमर है और भी खुश होकर लेगा। जस्ट आपने साइकोलॉजी देखनी है कस्टमर की, जो कि साइकोलॉजी यही कहती है, तो आपने ये चीज़ अप्लाई करनी है। और शिपिंग कॉस्ट जो है आप थोड़ा सा डाउन लाना है इसको, क्योंकि 199 टू मच। तो ये हमारी आज की वीडियो थी और ये हमारी आज की प्रोडक्ट है। तो अब यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये प्रोडक्ट सच में काम करती है, और इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। ये नहीं है कि भाई बोला तो 2 महीने बाद पता ही नहीं अल्लाह वाले हो गया, बट इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द आपकी तरफ लाऊंगा और आपको शेयर करूंगा कि क्या ये ऑयल जो है वर्क करता है, जस्ट एक बॉटल उन्होंने दी और बस और कुछ बनी। तो ये थी आज की वीडियो, तो होप्स आपको ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाली वीडियो लाता रहूँगा मैं, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी दो में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।